नमस्कार, मैं हूं संजय मीरे। दि महा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने हाल ही में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके बारे में गलत बयानबाजी कर एक बवाल सा मचा दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने छत्रपति श्री शिवाजी चौक पर आंदोलन कर भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी इनका पुरजोर विरोध किया है। आइए हम सीधा लेके चलते हैं महल के छत्रपति शिवाजी चौक पर। दर्शकों नमस्कार, इस समय मैं महान्यूज की टीम छत्रपति शिवाजी महाराज आप चौक में खड़े हैं। हम आपको बताते कि जिस प्रकार से राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके बारे में जो बेलगाम जो वक्तव्य किया है, जिसका निषेध करते हुए आज ये तमाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी बड़े पैमाने पे यहाँ पे आए हुए हैं, जो आज जाहिर निषेध कर रहे हैं राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी इनका। देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको चप्पलों से उनके प्रतिमा तक पुतले पे मारा जा रहा है और इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पे माहौल है। जो लोग पूरी तरह से निषेध कर रहे हैं, ये बात महज नागपुर की नहीं है बल्कि ये पूरे देश की है, क्योंकि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के बारे में जो बेलगाम वक्तव्य करने की जो एक कंपटीशन जो जारी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही समाज के लिए हानिकारक है। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी अपमान करेगा उसके लिए जूते चप्पल ही रहेंगे, ऐसा मनसे का कहना है। और इस समय में मनसे के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताएं कि जिस प्रकार से आज ये जो काम किया जा रहा है, राज्यपाल के प्रतिमात्मक पुतले को चप्पल मारी जा रही है, आखिर क्यों? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नागपूर शहरातर्फे आज आम्ही सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल जे बेताल वक्तव्य केलं, त्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते महाराजांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून त्यांच्या प्रतिमेला जोडे चप्पल मारून त्यांच्या प्रतिमेला चपलेचा हार घालून आम्ही निषेध व्यक्त केलेला आहे। कारण त्यांनी जे वक्तव्य केलं त्या डॅशवर शरद पवार साहेब पण होते आणि नितीनजी गडकरी केंद्रीय मंत्री यांनी पहिले सर्वप्रथम त्यांनी निषेध करायला पाहिजे याचा। विशाल बडगे, शहराध्यक्ष मंच, नागपूर। सर, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि ये जो भी हो रहा है बीजेपी स्पॉन्सर्ड हो रहा है। बार बार राज्यपाल, एक बार गलती हो सकती है पर बार बार ऐसा गलती करना, ये राज्यपाल जानबूझ के कर रहे हैं और बीजेपी का समर्थन उनको पूरा है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हा कदापि आम्ही सहन करणार नाही। आणि या आधी पण सुद्धा राज्यपालांनी आपल्या महापुरुषाविषयी बेताल व्यक्त केलेला आहे। मला असं वाटतं की त्यांना आता घरी बसावं आणि त्यांनी नातवंड सांभाळावं आणि या राज्यपाल या जागेवर कोणी एखादा चांगला व्यक्ती बसवावा। बिल्कुल, तो राज्यपाल कोश्यारी जिस प्रकार से ये जो बातचीत की है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी नहीं है। इस और तमाम देश के राजनीतिक पार्टियों ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये महज महाराष्ट्र का दैवत नहीं है बल्कि पूरे देश का है। और जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इस प्रकार से तोहिन करता है, उसका भुगतान तो आने वाले दिनों में उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा मनसे का कहना। और मनसे का ये भी कहना था कि अब राज्यपाल कोश्यारी जो है अपने घर में बैठे, ना कि इस प्रकार का बेताल वक्तव्य करे, क्योंकि ऐसे वक्तव्य करने से कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है बिगड़ोल का स्वरूप लेती है और इस ओर रोकथाम होना बेहद जरूरी है। आज दिन जिस प्रकार से राजनेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस प्रकार से जो बयानबाजी करते हैं, उससे समाज में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा होती है। हर धर्म दूसरे धर्म से अलग होते हुए दिखाई देता है, जबकि भारत ये राष्ट्रीय एकात्मता का देश है, यहाँ सभी जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं। मगर इस तरह का बेताल वक्तव्य जो किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं ये जो हवाएँ हैं, जो समाज में एक अपनापन है, वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहा है। इसके ऊपर में राजनेताओं ने ध्यान देना चाहिए, यही समय की मांग है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, दि महा न्यूज, नागपुर।